related to the last burn coal by some organizations from 10 to 12. इस विषय में मैं आप लोग से कुछ बताना चाहता हूँ और अपना व्यू कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं कल दिन को डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालुक पोतम साहब को मिल के एक परमिशन लेके सेंट्रल जेल जोलंग गया था। ब्रदर लिका राजनिक, प्रेसिडेंट ऑफ सेफ अरुणाचल यूथ एसोसिएशन एंड श्री पाओ जो इंडिजिनियस मूवमेंट अगेंस्ट कॉरप्शन एंड रिफॉर्मेशन का प्रेसिडेंट राज पाओ, दोनों को मैं मिलने गया था। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू फाइंड डेट कि इनका अरेस्ट जो है 13 तारीख को हुआ है। द बर्न कॉल वॉज फ्रॉम 10 to 12। मैं सुन के बहुत ताजुब लगा और हैरान भी हुआ कि जो बर्न कॉल खत्म हो गया तो कैसे 13 तारीख को अरेस्ट हुआ। इनको मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि हम लोग 13 तारीख जब बर्न कॉल खत्म हो गया, कुछ साथी लोग मिल के हम लोग कुछ ऐसे गेट टुगेदर बैठा हुआ था, बुलाया, बहुत से पुलिस लोग आके आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस में या नाम बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक आज जो मैं डिप्टी कमिश्नर कॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिला उसका कॉपी मैंने आप सबको अभी भेजा दिया है, फोटो कॉपी। मैं आपको इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ बोलने से पहले। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉम डिप्टी कमिश्नर कैपिटल ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, सब्जेक्ट एन अपील फॉर अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल द डिटेनिस पिकअप एंड अरेस्टेड ऑन 8 May 2023 एंड 13 May 2023 अंडर सेक्शन 3 ऑफ अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 सो अपुआ एंड केप अंडर डिफरेंट जेल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और फेस मास जेल भरो आंदोलन देयर ऑफ। सर, as subject cited above, I on behalf of all the mentioned below organizations and individuals would like to request and appeal you to release all the detainees picked up and arrested on 8 May 2013 and 13 May 2013 under section 3 of Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act 2014 APUA and kept under different jails of Arunachal Pradesh illegally without informing the reasons for the arrest or detention to the relatives of detainees. Therefore, I personally request you to release all the representatives of mentioned below organizations and personnels without delay who are kept illegally in different jails of state or face mass jail bar andolan by the public Arunachal Pradesh. Name of the organizations and individuals: 1. Nari Shakti Pro Dem Movement, Save Arunachal Youth Association, Arunachal Jan Kalyan Sangathan, Arunachal Pradesh Youth Organization, Indigenous Movement Against Corruption and Reformation, Arunachal Indigenous People Forum, All Arunachal Tribal Rural Panchayati Restoration Andolan Committee, Nahalagan Auto Union, Sol Dodam, Tana Tamar and others. तो मैं कल इनको अरेस्ट हुआ बोल के 8 तारीख को बिफोर 10 तारीख से पहले अरेस्ट हुआ बोल के मैं कल परमिशन लेके डीजी साहब से परमिशन लेके मिलने गया था। तो पता चला कि सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भाई लिका राजनिक 13 तारीख से वो भूख हड़ताल में है। वो अभी तो एक ग्लास पानी तक नहीं पिया। कल रात को मैं 5:30-6 बजे मिल के आया हूँ जब से उनको अरेस्ट हुआ 13 तारीख को, जबकि बर्न कॉल था 10 to 12। एंड वो बता रहा था कि मैं तो आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस बर्न कॉल ऑल्सो, लेकिन राज पाओ हम दोनों को उठा के लेके यहाँ अपवा का सेक्शन का से डाला हुआ है, इसीलिए वो भूख हड़ताल में है। इसलिए मैं आप लोग का माध्यम से सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा,
सब धर्म का लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, धोनी पोलो हो, जैन हो, जो भी हो, भाई लिखा राजनिक और राजपाव दोनों के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, ताकि वो जेल में बैठ के जो आज भूख हड़ताल पे है, इसलिए वो भूख हड़ताल पे है कि क्योंकि इन्होंने, उनका कहना कि हमने कुछ गलत नहीं किया, ना कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ऐसे हम लोग को उठा के बंद करके रखा है, बोला है। तो मीडिया फ्रेंड्स, आजकल अरुणाचल में दो चार वोट बहुत फेमस है। फर्स्ट दो वोट है, कोई भी घटना होता है तो वेरी अनफॉर्चुनेट। अनदर दो शब्द है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जैसे मैं आज मैं यहाँ आपका सामने में ये अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। दिस इज ए वेरी ड्रैकोनियन लॉ। अब किसी को उठाएगा बिना मतलब का, बिना वारंट का, ये कैसे हो सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें अधिकार दिया हुआ है जीने का, रहने का, बोलने का, अपना राइट को प्रोटेस्ट करने का। हाँ, जरूर गलत चीज़ के लिए मारपीट करने का, चोरी करने का, डाकू डाले का, किसी को झूठ बोल के धोखाबाजी देने का प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये लॉ जो है, जैसे इनको 8 तारीख से जितना भी लोगों को अरेस्ट करके रखा है, सुनने में आया है कि इनको खालिस्तानी जैसे, अल्फा जैसे, नक्सलाइट जैसे, पाकिस्तानी टेररिस्ट जैसे व्यवहार किया जा रहा बोलता है। तो इस एक्ट में आज मैं देखता हूँ कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बिजनेसमैन कोई बोलता नहीं है। दिस इज़ ए वेरी डेंजरस एक्ट। अब जैसे किसी को उठा के, रात को उठा के ले गया बिना बता के, बिना मतलब का, 6 महीना का रखने का प्रोविजन है, वहाँ अगर आपको टॉर्चर करता है, 6 महीना आपको टॉर्चर करता है, क्योंकि लॉ में प्रोविजन है वहाँ आपको रखने का, तो ये बड़ा मिसयूज हो रहा है, होने जा रहा है और हो रहा है। आज मैं आप लोग का माध्यम से, जो भी आज रूलिंग में है, लोग रूलिंग बोलते रहता है, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, इसमें रूलिंग और ओपोजिशन का बात नहीं है, तो यहाँ कोई धर्म का बात नहीं, जाति का बात नहीं, तो यहाँ कानून का बात बोल रहा है। अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो देशद्रोही वालों के लिए ये एक्ट लागू होता है, लेकिन आम आदमी घूमने वाला, जैसे मैं कल जब जोलंग जेल में गया, तो भाई सोल दो दम लिखा राजनीतिक और राजपाओं को मिलने के बाद पता चला कि रोइंग का एक सोशल एक्टिविस्ट पार्टी विजय पार्टी को भी उठा के रखा है, बोला है घूम रहा था, बोला 13 तारीख को, जबकि बंद खोलता 10 to 12। मुझे समझ नहीं आया, अब जब गवर्नमेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब प्रिवेंशन का बात करता है, ठीक है कोई बंद कॉल करता है, आपको अप्रिहेंशन होता है कि लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकता है बोल के आप किसी को डिटेंशन करता है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्रिहेंशन में किसी को उठा के ले लिया और ये सेक्शन 3 अफवाह को डाल के उसका जीवन जिंदगी बर्बाद करें। Nobody give you that permission to do। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी का लाइफ को बर्बाद करे, या पॉलिटिकली किसी को अगर आप बर्बाद करना चाहेगा तो बिल्कुल इस एक्ट को डाल के आप बर्बाद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन जैसे आपका 8 तारीख को बंद कॉल होना था 10 तारीख से, तो रात को देखा 2 तारीख को रात को 1 बजे जाके कोई आदमी सो रहा है, जैसे कोई टेररिस्ट मर्डर करके, चोरी करके, एकदम रेप करके भाग गया जैसा, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को जैसे करता है, चुपचाप आके उसको बिना बताए, बिना फैमिली को बताए, बिना कारण बताए, अब उसको ले जाके जेल में डाल दे, और कहाँ, कौन सा जेल में डाल रहा है, अब कहाँ डाल रहा है, बाद में पता चला कि पासीघाट, लोंगडिंग, तेजू, बोमदिला में ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को बिहेव किया जाता है, ऐसे इनको रख रहा है बोलता है। इसीलिए मैं आप लोग का माध्यम से सरकार को अपील करता हूँ कि इन लोग को
चलो जो हो गया आपका, क्योंकि बर्न कोल से पहले इन लोग ने जो बर्न कोलर्स ने, चाहे वो नारी शक्ति टीम बोलिए, भाई सोल दोदम बोलिए, भाई तना तमर बोलिए, तिची पुरु बोलिए, जो भी हो, इन्होंने अपील किया था कि बर्न कोल जो है पीसफुल होना है, तोड़फोड़ नहीं होना है, ये पब्लिक डोमेन में है। जब कुट उन्होंने ऐसे अपील किया, उसका बावजूद भी उनको आतंकवादी जैसे ले जाके ये अपुआ सेक्शन 3 के मुताबिक डाल के उनको अभी जेल में रखा है। सरकार का इस मतलब ये हो रहा, दिखाई दे रहा है कि अगर सरकार हम सबको पब्लिक को बोलेगा कि चूहा को हाथी है बोलो, तो हम तो चूहा को हाथी है बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा नहीं ये तो चूहा है, नहीं ताकू तुम गलत बोल रहे हैं, तुम उसको चूहा है, लेकिन हाथी मैं गुरमीन हूँ, मैं सरकार हूँ, मैं पावर में हूँ, तुम उसको हाथी बोलना पड़ेगा। कैसे मैं एक चूहा को हाथी बोलूँ, आप लोग बताइए। मैं गलत बात को नहीं कर रहा हूँ बोल के मुझे ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक को डाल के राख देगा, ये कैसे होगा? क्या ये न्याय है क्या? बिल्कुल अन्याय है। इसीलिए मैं सरकार से पर्सनली, इसको आप लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड मत बोलिए, बहुत सेंटीमेंट है पब्लिक का साथ में, अन्याय हो रहा है, क्योंकि अपना अधिकार जो बोलना चाहिए आदमी को, जो ग्रांति दिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमको अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया बोलने का, प्रोटेस्ट करने का, मांगने का, उसको दबाया जा रहा है। इसका मतलब जो 8 तारीख को जो अरेस्ट हुआ, डिटेंशन किया, ये तो कितने बजे से हो गया ना? अरेस्ट तो आदमी को आराम से बता के या घर में जाके आदमी को बता के पुलिस को वारंट लेके जाता है ना अरेस्ट करने के लिए, अचानक आके आप उठा के लिए जाना, दिस इज ए किडनैप। बिल्कुल मैं उसको अरेस्ट नहीं मानता हूँ, किडनैप मानता हूँ। कि जो भी हो, जो हो गया हो गया। पहले भी आप लोग ने बहुत बर्न कोल देखा होगा, डिटेंशन का नाम में, प्रिवेंशन का नाम में एक दिन पहले आप उनको उठाया, कहीं चुपचाप रखा, प्यार से रखा, बर्न कोल जैसे खत्म हुआ रिलीज कर दिया, वार्निंग दिया दोबारा मत करो, ये तरीका होना चाहिए और होता ही है। लेकिन इस केस में इंटायर सोशल एक्टिविस्ट को बर्न किया गया, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि कोई भी अरुणाचल में सरकार के अगेंस्ट, चाहे वो गलत करे, वो मादर करे, चोर करे, बदमाश करे, गलत नीति अपनाए, कोई हल्ला नहीं करना है, ये इसमें होते रहना है। कोई सफेद गवर्नमेंट बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा नहीं ये तो काला है, नहीं ताकू तुम गलत बोल रहे हो, ये है मतलब। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ। अच्छा से कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों है, मैंने डीसी साहब को मिल के आया हूँ, इन्होंने बोला हम लोग होम डिपार्टमेंट को या कमिटी को भेज देगा बोला है। कब तक रिजल्ट आएगा, लेट अस वेट फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच। इलीगली इट इज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, बिल्कुल है। लेकिन जिस तरीके से ये 8 तारीख को जो डिटेंशन हुआ, रात आके पिकअप किया है, दैट इज नॉट डिटेंशन, दैट इज नॉट अरेस्ट। अब सीसीटीवी कैमरे में देखा होगा, दैट इज किडनैप, नंबर वन। नंबर टू, एक भी आपने 9, 10, 11, 12 एक भी बर्न कोलर आप दिखाई नहीं दिया। मैं कुछ घूम के देखा है इंटर ईटानगर कैपिटल बांदरदेवा से चिंपू तक पूरा नाकाबंदी करके रखा था। इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस ही बर्न कोल कर रहा था, नॉट द बर्न कोलर्स। अगर 10 तारीख को कोई मिलता बर्न कोलर को, कोई तोड़ एक पत्थर भी किसी को मारते हुए देखा या गाली देते हुए देखा, इन लोगों को तो डिटेंशन अरेस्ट करना चाहिए। बर्न कोल में तो ये इलीगल मीन्स बात, आप बिना मतलब आपने आपका अधिकार आपने मांगा, उन्होंने अपील भी किया ना पीसफुल, तोड़फोड़ मत करो। एक दिन पहले उन्होंने बोला है, 8 तारीख को बोला ही था, लेकिन 9 तारीख एक दिन पहले आने से पहले इन लोग को तो आप लोग पिकअप कर लिया। और कहाँ में रखा है, कहाँ, कौन ले गया, कैसे ले गया, किसी को पता नहीं। जब हल्ला गुला शुरू हुआ
तो पता चला कि बोमदिला में, लोंगडिंग में है, पासीघाट में है, तेजू में है। तो आप लोग बताइए, ये लोग के आतंकवादी हैं क्या? दे आर सोशल एक्टिविस्ट, स्टेट के लाभ के लिए, फ्यूचर के लिए बात कर रहा था। ठीक है, अगर गलत है सरकार तो पूछ सकता ना, आपका ये बात सामने में लेके आइए, लेता सीधे ने टेबल राउंड टेबल बैठ के बात करता है, ऐसे भी तो कर सकता है। लेकिन ये जो एक्ट के मुताबिक फ्यूचर में आप किसी को अब हल्ला मत करो, किसी के अगेंस्ट में बात करो, गलत होने से भी मैं पावर में हूँ, मैं, मेरा सरकार है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। ये तो ऐसे हो रहा है ना। ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सरकार आता जाता है, ये सरकार परमानेंट, जब तक ये पृथ्वी है, ये बीजेपी गवर्नमेंट बैठे बोल के कोई क्रांति तो नहीं है। आने वाले में कोई भी सरकार आएगा तो वो जो आने वाला सरकार जो है, कल को ये लोग ही जो अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल राइवलरी को यूज़ करेगा यूजिंग दिस एक्ट, तो आप क्या बोलेगा? क्या उस समय आप बोलेगा कि नहीं ये ठीक है? आज लोग हंस रहा होगा मुझे सुन के, जो आज बीजेपी बीजेपी रूलिंग रूलिंग बोल रहा है। मैं आप लोग का माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, ये एक तो ऐसे ही रहेगा अगर हम लोग इसको आज आवाज़ नहीं उठाएगा, ये कल को हम लोग का बच्चा लोग के लिए भी प्रॉब्लम है, और जो सरकार में आज लोग हैं इन लोग के लिए भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन लोग भी परमानेंट कुर्सी में नहीं रहेगा। जब एक कुर्सी से हटेगा तब तक लेद हो चुका होगा। जब मैं पावर में था, बोलना चाहता, अगेंस्ट करना चाहता, सुधरने देना चाहता, ये एक को अच्छा से करने देना चाहता, ये बोलेगा। लेकिन अभी तो क्योंकि पावर में है इसलिए हंस रहे लोग, आई नो। और मुझ में जो लोग मुझे आज बीजेपी लोग जो सुन रहा है, इन लोग भी बोल रहा है विधाता को अपना पॉलिटिकली मोटिवेटेड एमपी डिक्लेयर किया, एमपी बोल लाने के लिए बोल रहा है, बोलेगा, हंसेगा। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये मैं एमपी कैंपिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीका से डिटेंशन हुआ, किडनेप हुआ, सोशल एक्टिविस्ट का मुख को दबाया जा रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, और आगे भी मत करो के दिखाना चाह रहा है, और ये होने नहीं देगा। कभी भी ऐसे डिटेंशन विदाउट एनी नोटिस, विदाउट लीगलिटी करने नहीं दूंगा। ये स्टेट जो है सबका है, कानून सबका है, किसी के लिए कानून है, किसी के लिए कानून नहीं, ऐसे नहीं होगा। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। इसलिए मैं आप लोग का माध्यम से इंटर अरुणाचल का पब्लिक को मैं निवेदन करता हूँ, बता रहा हूँ, आज मैं जो सबमिट करके आया हूँ और बिहार ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन 11 ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैं डीसी साहब को ये देख के आया हूँ, कब रिजल्ट देगा लेट अस वेट। अगर रिजल्ट नहीं आता है, कुछ दिन का बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करा देता हूँ।